आज अब हम सीखते हैं हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में और यही हमारा सब टॉपिक है। सो इन 20th सेंचुरी गॉडफ्रे हार्डी एंड विल्हेम वीनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया था जिसे हम बोलते हैं हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, ऑल्सो नोन एज हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। और इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज किया था और उसमें भी उन्होंने यूज की थी प्रोबेबिलिटी। नाउ क्लास, अकॉर्डिंग टू हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी और जो अलील होते हैं वो आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और हम अच्छे से समझते हैं, कंसिडर करते हैं हमारे पास पॉपुलेशन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ अलील्स प्रेजेंट हैं। अलील्स जैसे कि कैपिटल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। अगर हम इन टोटल नंबर ऑफ अलील्स और जीन्स को प्लस करेंगे तो वो कॉन्स्टेंट होते हैं। और ये जो टोटल नंबर ऑफ अलील्स एंड जीन्स हैं इसको हम बोलते हैं जीन पूल, और एज आई सेड ये कॉन्स्टेंट होते हैं। हार्डी वीनबर्ग ने एक इक्वेशन दी थी जो समझाती है जेनेटिक इक्विलिब्रियम के बारे में, और ये इक्वेशन होती है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू पी क्यू। नाउ क्लास, कंसिडर करते हैं हमारे पास अलील्स हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए, और इन सारे अलील्स की जो फ्रीक्वेंसी है अगर हम इसको टोटल करेंगे तो इसका सम आता है 1। नाउ क्लास, प्रीवियसली हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अलील्स प्रेजेंट होते हैं और वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। नाउ क्लास, टू अलील्स फॉर वन कैरेक्टर आर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। नाउ क्लास, अज्यूम करते हैं कि एक बार कैपिटल ए इनहेरिट हुआ है और एक बार स्मॉल ए इनहेरिट हुआ है, सच दैट कि जो अलील्स हैं इनके पास इक्वल चांस होते हैं इनहेरिट होने के। नाउ क्लास, प्रीवियसली हम लोगों ने सीखा था कि अलील्स के पास इक्वल चांस होते हैं इनहेरिट होने के, सच दैट उनके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 0.5 और 0.5। नाउ क्लास, अगर हम कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी को प्लस करें विद स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास आता है 1। क्लास, अब हम कंसिडर करते हैं कि जो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है वो है पी और जो स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी है वो है क्यू। अगर हम डिप्लॉयड कंडीशन को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी पी स्क्वायर और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे पास क्यू स्क्वायर। नाउ क्लास, कंसिडर करते हैं कि फादर से अलील आ रहा है स्मॉल ए और मदर से आ रहा है अलील कैपिटल ए। नाउ क्लास, जो स्मॉल ए है उसकी फ्रीक्वेंसी है क्यू और जो कैपिटल ए है उसकी फ्रीक्वेंसी है पी। क्लास, अगर हम कंसिडर करें और एक सिचुएशन जिसमें फादर से आ रहा है कैपिटल ए और मदर से आ रहा है स्मॉल ए, तो हमारे पास दो तरीके की सिचुएशन होती है जिसमें हम कैपिटल ए और स्मॉल ए पा सकते हैं, सच दैट अब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है 2PQ। नाउ क्लास, हमें पता है कि कैपिटल ए डोमिनेंट होता है और स्मॉल ए रिसेसिव होता है, और कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होता है। तो अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी को प्लस करें, यानी डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी है पी स्क्वायर और रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी है क्यू स्क्वायर और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी है 2PQ, अगर हम इनको प्लस करें तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 1, और यही होता है हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन। हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है अलील्स की वो होती है पी इज इक्वल टू 0.5 और क्यू इज इक्वल टू 0.5। अगर इन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में ज़रा सा भी चेंज आता है, फॉर एग्जाम्पल पी इज इक्वल टू 0.3 और क्यू इज इक्वल टू 0.7, तो हम कह सकते हैं कि जो हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन है वो डिस्टर्ब हुई है और एवोल्यूशनरी चेंज आया है, और जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है और जो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम है वो भी डिस्टर्ब हुआ है। और क्लास, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। तो सबसे पहला फैक्टर है जीन माइग्रेशन। इस केस में आप देख रहे हो जो पॉपुलेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो रही है, यानी जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो रही है। और अगर जो जीन माइग्रेशन है वो फ्रीक्वेंट होता है तब उसको हम बोलते हैं जीन फ्लो, और अगर जीन माइग्रेशन चांस फैक्टर की वजह से होता है तो उस केस में हम उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट फैक्टर है म्यूटेशन। म्यूटेशंस की वजह से वेरिएशंस आते हैं और वेरिएशंस की वजह से जो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल है वो अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा रैंडम मेटिंग। सिमिलरली रैंडम मेटिंग में भी वेरिएशंस आते हैं और अगेन वेरिएशंस की वजह से हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल अफेक्ट होता है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से नए जीन्स का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं और हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल सिलेक्शन। क्लास, नेचुरल सिलेक्शन से भी वेरिएशंस आते हैं और वेरिएशंस की वजह से ही हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल अफेक्ट होता है।